आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोनीपत कुंडली बॉर्डर की हैं, जहां बीती रात को रवानगी से पहले किसानों ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में मोमबत्ती जलाई और शहीद किसानों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सिंघू बॉर्डर से किसानों का आखिरी जत्था भी अपने घर की ओर रवाना हो चुका है, जिन्होंने रवानगी से पहले शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हमने यहाँ पे आखिरी दिन शहीदों की याद में एक मोमबत्तियाँ जलाई गई हैं, तो 731 शहीद हुए थे और अभी हमारे घर जाते हुए दो किसानों की जान गई है एक्सीडेंट के दौरान। तो हमने यहाँ पे 733 मोमबत्तियाँ लगा के उन शहीदों को याद किया है, उनको नमन किया है, क्योंकि उनकी कुर्बानी और उनके जैसे जज्बा रखने वाले और किसानों की उस जज्बे से वतन पर मिटने वाले जज्बे से ही ये आंदोलन कामयाब हो पाया है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी, 732 शहीद जिहड़े हो चुके अज तक, 734 है जी, कल दे एक्सीडेंट दे विच भी 2 शहीद हो चुके हैं साडे किसान। सो 734 शहीदां दे नां ते 734 मोमबत्तियां बाल के ये ओ जगह ते उत्ते मोमबत्तियां बालियां गईयां जिस जगह दे उत्ते साडा ICU सीगा ओ पट के ले आ रहे हैं। तो तुसी जिहड़ी सरकार तो कहिंदे वी की मंग है, साडी कोई मंग नहीं है, साडियां तां मंगां जायज़ आ। ये जिहड़ी सरकारां गंदियां सरकारां जिहड़ियां करप्ट सरकारां है उन्हां कोलों की असीं आस रख सकदे हां? सो असीं जो करना अपने बलबूते ते करना और अपने बलबूते ते कीता और साडी कोई डिमांड नहीं है। पंजाब निवासी किसान भूप सिंह और अमरजीत सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन में 734 किसानों ने अपनी आहुति दी है और उनकी याद में यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। अब बॉर्डर को बिल्कुल खाली कर दिया है और हम यहाँ से आखिरी में जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हॉस्पिटल चला रहे थे अब, और हमारा फर्ज था कि जब तक एक किसान भी यहाँ रहेगा तो हम यहाँ पर रहेंगे। गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने करीब 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन किया और आखिरकार किसानों की जीत हुई। सरकार ने लगभग सभी मांगें पूरी कर ली हैं, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने दिल्ली की सभी सीमाओं को खाली कर दिया और सोनीपत कुंडली बॉर्डर से किसानों का आखिरी जत्था भी रवाना हो चुका है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।